मेरे साथ अंकिता अंकिता माथुर, और हाल ही में अंकिता को IBPS द्वारा क्लरिकल एग्जाम में बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ है। अंकिता, इस शोर शराबे के बीच चिल पों, इधर से गुजरता टेम्पो, उधर से गुजरती कार, और बीच में ही कभी कभी क्लासरूम से भी आती हुई आवाज़ें, ये सब आपको सुनाई देगा। हम लोग सिर्फ एक कॉर्नर में एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं, तो यदि आपको शोर सुनाई दे तो उसे नेगलेक्ट करें और जो हमारी बातचीत है उस पर फोकस करें। अंकिता, इस पूरी प्रेपरेशन में, चूंकि लेट्स कम बैक टू द स्ट्रेट अवे पॉइंट, मैं अंकिता से सिर्फ अंकिता के माध्यम से ही जानना चाहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस पूरी प्रेपरेशन में एक विद्यार्थी किस तरह की फेजेस से गुजरता है। सो अंकिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा अंकिता, ये बताओ कि रिजल्ट आने के बाद हमें कैसा फील होता है? सर बहुत फ्री, बहुत ज़्यादा फ्री। बहुत ज़्यादा फ्री। और उससे, रिजल्ट आने से पहले हमें बहुत भारी फील होता है। इन दोनों, ये हल्के और भारी, मैं यूं कहूं कि प्रेशर और सेलिब्रेशन के बीच में एक विद्यार्थी जब अपनी तैयारी करना प्रारंभ करता है, फिर थोड़ा जानता है और धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है, तो आप ये बताओ कि ये प्रेशर कब से बिल्ड होना शुरू होता है? जब एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट करते हैं और फिर फेल होना स्टार्ट करते हैं। मतलब जब एग्जाम देना शुरू करते हैं और उनके रिजल्ट नेगेटिव आना शुरू होता हाँ है, जी। तो लगभग मतलब साल भर बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, ऐसा कब लगता है? मतलब आप पर वो जो ग्रिपिंग प्रेशर है वो कब बिल्ड होना शुरू होता है? सर डिपेंड करता है घर वालों पे भी, फैमिली पे भी, साथ वालों पे, जो कोचिंग वालों पे भी, और खुद पे भी। आपके चाचा को तो मैं जानता हूँ, रोज जब वो टिफिन लेके आते थे हाँ तो अब हमारी अक्सर बातें होती थी, मतलब आज ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती थी, तो बोलते थे कोई बात नहीं है सर, आराम से चलने दो, हम लोगों को पता है कि वो मेहनती है, सिंसियर है, तो लग तो जानी है। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो लेकिन वो कॉन्फिडेंट है तो जैसा वो मुझे कहते थे, घर पे कैसा माहौल था? मतलब सर, घर वालों की तरफ से एकदम चिल, घर वालों की तरफ से एकदम एकदम चिल। चिल। हाँ पर मैंने आपको देखा कि कई फेजेस में एक तरह से ये लगता है कि मैंने आपको प्रेशराइज फील किया है। मतलब तो चाचा से मेरी बात होती थी, वो काफ़ी खुले थे, कॉन्फिडेंट थे, अश्योर्ड थे, तो फिर आप पर किस बात का प्रेशर था? मतलब सर, वो खुद से ही प्रेशर बिल्ड होता है, साथ वालों को देख के भी, और फिर खुद ही खुद में सोचते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, आज नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वो सब आप खुद थोड़ी का। अपने अंदर के इस टर्मोइल को शेयर थोड़ा खुल के करिए कि किस किस तरह की फीलिंग्स आती हैं। मतलब आपको इस प्रोसेस में खुद पर तो कितना डाउट होता है, सर एक पॉइंट पे तो बहुत होता है, क्योंकि मतलब एग्जाम्स भी बैंक के अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो आप नहीं देते हो। कुछ लोग कहते हैं कि दो, फिर भी आप नहीं देते हो क्योंकि आपको एक ही तरफ जाना होता एक ही है। तरफ जाना होता है। तो और फिर उसमें कुछ लोग पास भी हो जाते हैं जो आप नहीं देते हो और आप उसमें नहीं होते बैंक वाले में, तो फिर बहुत सारा प्रेशर होता है वो। जैसे आपकी एक दोस्त है कंचन, हाँ और बहुत ही प्यारी बच्ची है, हाँ और वो यूं समझ ली कि मेरे तो घर के से ही हैं, हाँ जी तो कंचन ने और आपने दोनों ने बीएड भी किया, और आपके रिजल्ट से कुछ दिन पहले कंचन की पोस्टिंग हुई, हम लोगों ने उसकी खुशियां भी मनाई। लेकिन चूंकि वो दोस्त है भले ही आपकी, तो उसके सिलेक्शन के बाद आपको ऐसा फील जरूर हुआ होगा ना कि यार ये बीएड मैं भी हूँ, बीएड वो भी है, तो मैं यदि बीएड वाली तैयारी करती तो शायद मैं उधर अब तक सेलेक्ट हो चुकी होती। सर। असली में मेरे को नहीं हुआ, असली में नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ मतलब जिनको नहीं पता ना कि क्या तैयारी होती है, कैसे तैयारी होती है, वो ये बात कहते हैं कि उधर करती तो पास हो जाती, पर मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती एक साल में। वो जब हमने बीएड की थी वो तब से उसकी तैयारी में लग रही थी, जब वेकेंसी आई तो उसका पास हो गया। उसका पास हो गया, और उससे पहले उसके भी बहुत सारे उसने नेगेटिव रिजल्ट देखे हैं, हाँ मतलब ये लेकिन कोई वो उस फर्स्ट अटेम्प्ट तो फील्ड, है नहीं, हाँ लेकिन वो उस फील्ड के थे ना सारे। वो सारे उस फील्ड के थे। हाँ और तो एक पर बैंक एग्जाम्स में देखा जाता है कि एक तो एग्जाम्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, हाँ तो आपके
नेगेटिव रिजल्ट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। सर ये पॉजिटिव भी है कि ज्यादा एग्जाम्स होते हैं, पर ये नेगेटिव भी एक तरीके ये नेगेटिव इमोशनली आपका कितना टॉर्चर करता होगा। मतलब बार आप ऑलमोस्ट हर तीसरे वीक में एग्जाम दे रहे होते हो और रिजल्ट हर एक वीक या दो वीक से आपका रिजल्ट लगातार आता रहता है। आपके रिजल्ट जब रेगुलरली नेगेटिव आते हैं और आपके साथ वालों के थोड़े थोड़े पॉजिटिव आते रहते हैं, तो एक स्टूडेंट अंदर से कितना इमोशनली हिलता है ये, चूँकि मैं एज एन एस्पिरेंट इसको फील नहीं किया मैंने, तो मैं अक्सर आप लोगों के फीडबैक से ही जानना चाहता हूँ कि अंदर से कितना हिल जाते हो आप लोग। बहुत बहुत मतलब मेरा एक फ्रेंड था, मैंने आपको बताई भी थी वो बात कि वो एग्जामिनर था। हाँ हाँ। और मेरा एग्जाम था, मतलब वो आपसे पहले सेलेक्ट हो गया था। हाँ, मतलब हम लोग कॉलेज में साथ ही थे, कॉलेज में साथ थे। उसने तैयारी पहले स्टार्ट की, वो पहले पास हो गया, ठीक है, और फिर वो एग्जाम लेने आया था, इनविजिलेटर बन गया। हाँ, और मेरी उस टाइम पे एग्जाम थी, तो वो एग्जाम मेरे को पता ही नहीं चला उस एग्जाम में क्या हुआ मेरे साथ। फिर मैंने आपको उसकी प्रेजेंस का इतना प्रेशर बिल्ड हुआ। हाँ, तो ये जो पीयर प्रेशर है इससे कोई स्टूडेंट कैसे डील करे, क्योंकि हम जानते हैं हर व्यक्ति की सफलता की टाइमलाइन अलग अलग है, क्योंकि आप भी जानते हो अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग लोग पास होंगे। तो आपने भी इस बात को देखा कि आपके साथ वाले लोग सेलेक्ट होते रहे, ज्वाइन करते रहे, कोई पीओ हो गया और यूं भी लगता था यार कि ये इतना डिजर्व तो नहीं करता था, मुझसे पहले कैसे सेलेक्ट हो गया ये। तो आप ये बताइए कि आपके साथ वाले जब लोग पीओ बन रहे थे या वो जब सेलेक्ट हो रहे थे, तो वो पीयर प्रेशर कितना बिल्ड हो रहा था? सर उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था, मैं तो मैंने बताया ना, मैं मुझे पता ही नहीं चला कि उस एग्ज़ाम में हुआ क्या मेरे साथ। फिर आके मैंने आपको उस दिन शाम को बताया भी था कि ऐसे ऐसे हुआ, पर फिर जैसे घर वालों से बात की तो वो समझाते हैं, आपसे बात की तो आपने तो हमेशा ही समझाया, तो वो एक पॉइंट के बाद समझ आता है कि इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर एक पॉइंट तक पड़ता है, उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, इग्नोर नहीं कर सकते, वो होता ही। हाँ, अब आप ये बताओ कि इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सर मेरे तो ना दो ही बड़े फैक्टर थे, एक तो आप और एक मेरे घर वाले। ठीक है, मतलब आपने हमेशा समझाया तो समझ आया, घर वालों के थोड़ी कम, लेकिन रिजल्ट तो बहुत सारे आते हैं ना। आपने आज समझाया, फिर कुछ दिनों बाद एक और रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, फिर एक रिजल्ट और नेगेटिव आ जाता है, तो वो समझाइश कितना काम करेगी बेचारी। सर मेरे तो वही काम किया है, मेरे नहीं काम तो किया है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि समझाइश के बाद में आप इम्यून हो गए कि अगली बार इमोशनली आप लो फील नहीं करोगे। नहीं सर, वो तो रिजल्ट आएगा फिर आप अगेन फिर लो फील करोगे। तो ये कैसे रहता है, मतलब कोई व्यक्ति, मतलब ये बड़ा बड़ा मुश्किल है, मतलब आपका इमोशनली स्टेबल रहना। हम लोग कहते हैं हमें इस तरह की फेज से गुजरना नहीं पड़ा, तो लेकिन आप इमोशनली इतना स्टेबल कैसे रहते हो? अच्छा ये बताओ, इस प्रक्रिया में तुम कितनी बार रिजल्ट आने पर तुमने आंसू बहाए हैं? सर बहुत बार बहुत बार बहुत बार, और इस वाले एग्जाम में भी मैं रेडी थी। ओके, मेरे को आंसू भी बहाने हैं, पर इस बार पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, इस बार पॉजिटिव रहा। तो खैर, तो कोई छोटा सा संदेश विद्यार्थियों के लिए? पहली बात तो ये कि टाइम साथ वालों को देख के डिसाइड नहीं होता, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल टाइम होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब फेल होते हैं ना और जो प्रेशर आता है, जो इमोशनल और ये सब, वो भी आएगा ही, कोई जादू नहीं है कि नहीं आएगा, right. वो आएगा, और एक टाइम बाद समझ आएगा, तो वो भी टाइम के हिसाब से आएगा, समझ आ जाएगा, और फिर शायद प्रेशर थोड़ा कम ले, नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते right. हाँ, पर वो कम हो सकता है। अच्छा, एग्जाम्स में इस इमोशनल प्रेशर का स्कोर पे भी फर्क पड़ता है? सर पड़ता है, पड़ता है। तुम पर कितना फर्क पड़ा, मतलब कितने कौन से एग्जाम्स इस प्रेशर के कारण से निकल भी गए होंगे? सर कई सारे बीच बीच में, मतलब किसी टाइम पे यदि ज़्यादा प्रेशर है, मान लो कल रिजल्ट आया आज एग्जाम है और कल वाले में फेल हो गई, तो आज वाला पेपर तो आज फेल वाला पेपर तो गया होगा आपका। हाँ, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। सो वेल एनीवे, तो अंकिता का ये मैसेज हम समझ सकते हैं कि पीयर प्रेशर आएगा, आप नहीं रोक पाएंगे, ये प्रेशर हमेशा होगा, लेकिन फैमिली सपोर्ट और जैसा कहा कि हम लोग जो मेंटर्स की भूमिका में हैं, वो लोग और आपके दोस्त, तुम पर तो तुम्हारे पास तो एक जबरदस्त सर्कल था, तो उस जबरदस्त सर्कल से तुम्हें तो सपोर्ट भी बहुत मिला है, बहुत, राइट। आप लोगों को तो मैं कहूँगा कि आप सब लोग तो इतने ब्लेस्ड हो कि सारे के सारे लोग ही एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते रहे हो। तो
पीयर ग्रुप का, ऑफ कोर्स पीयर प्रेशर भी बिल्ड होता है, तो पीयर ग्रुप से हमें सपोर्ट भी बहुत मिलता है। इसमें राकेश का कितना योगदान रहा है? सर राकेश तो मतलब यूजुअली ऐसे होता है कि आपका साथ वाला पास हो रहा है, आपको खुशी है, पर कभी अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चुभता है। हाँ। पर जब राकेश पास हुआ था ना सर, सब रोए थे, सब रोए थे, सब रोए थे। उसमें एक पॉइंट भी ऐसा नहीं था कि, क्योंकि उसका बहुत लंबा स्ट्रगल था, उसका लंबा स्ट्रगल। और फिर हमको मोटिवेशन होता है कि हाँ होते हैं लोग बाग पास हो जाते हैं। हाँ, तो राकेश के पास होने के बाद आपको कितना सपोर्ट मिला? मतलब सर बहुत सपोर्ट मिला, ऐसे समझ आया कि चाहे नहीं छोड़ते ना तो होता है काम, तो होता है काम। खैर इस बात का हम भी ध्यान रखेंगे। सीधी बात ये है कि आप अपनी पूरी प्रेपरेशन में लगातार बने रहें, और यदि आप बने रहेंगे, इमोशनली स्टेबल रहेंगे और एक अच्छे हेल्दी ग्रुप में रहेंगे, और नियमित रूप से यदि आप हम लोगों से भी वाद और संवाद करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग भी आपको गाइड कर पाते हैं। वेल, बहुत बहुत इन इनसाइट्स को शेयर करने के लिए मैं ये कहूँगा कि विद्यार्थियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। सो वेल, दैट्स ऑल, थैंक यू।